नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल ऑलराउंडर पर आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ जयपुर जिले के जयपुर राजधानी के बीच में और लेपड़ पार्क है झालाना संस्थानी क्षेत्र के पास में वहाँ लेकर आया हूँ उस पार्क के अंदर एक मंदिर है माता जी का काली माता जी का उस मंदिर के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ और हो सकेगा तो आपको मैं जंगल के कुछ दृश्य और जंगली जानवर अगर दिखाई देंगे तो आपको वो भी वो भी दिखाने वाला हूँ और अगर मैं, मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जो पूजा करते हैं पुजारी उनकी भी मैं आ, कुछ उनसे कुछ इंटरव्यू लेना चाहूँगा अगर हो सकेगा तो आपको मैं दिखाऊँगा दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जयपुर जिले के बीच में है और यहाँ लेपर्ड और कहीं पशु और कहीं जंगली जानवर यहाँ देखने को मिलते हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लेपर्ड पार्क का कुछ हिस्सा हम दिखाएंगे और यहाँ अगर जंगली जानवर देखने को मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे तो दोस्तों देखिए ये नीलगाई है वो देखिए हिरण कितने सारे छोटे छोटे बड़े हिरण और ये बंदर हैं जो यहाँ पे हमेशा रहते हैं वो देखिए वो हिरण छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं और नीलगाय और ये जंगल का कुछ हिस्सा जो मंदिर की तरफ जाने वाला रहता है उस उस पे ये आपको देखने को मिलेंगे इधर पीछे भी दोस्तों कुछ नीलगाय और ये है हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस लेपड़ पार्क में एक काल के माता का मंदिर है उसका ये बोर्ड देख रहे हो आप काल के माता विनायिका देवी ये यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे आगे पूछेंगे कि इनका ये नाम और विनायिका देवी क्यों कहा जाता है हम थोड़ी देर में मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे आप को माता जी का दर्शन कराएंगे और पुजारी जी से भी कुछ इंटरव्यू लेंगे तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कालका के देवी के मंदिर के बाहर अभी हम आपको अंदर का व्यू दिखाने वाले हैं और यहाँ माता जी की महिमा और इनके गुणगान या सोगान के बारे में और जंगल का जो हिस्सा है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होने वाला है आप हाँ तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कालका माता का मंदिर है जयपुर के बीच जंगल के बीच में है वो उसका ये दृश्य है इधर देखिए मंदिर में घुसते ही दाई साइड में देखिए ये नगाड़े हैं जो आरती के टाइम बजते हैं मंदिर का काफ़ी बड़ा प्रांगण है और अभी पुजारी जी मंदिर माता जी के कुछ कर रहे हैं ये इधर भी देख लीजिए उधर परिक्रमा पत है और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है हम आगे चलते हैं और पुजारी जी जैसे कुछ पूछते हैं जो इंटरव्यू आप पुजारी जी से लेते हैं और माता जी का आपको लाइव दर्शन भी करवाते हैं हाँ तो दोस्तों देखिए ये है वो काल का माता जो यहाँ काफ़ी सदियों से बसी हुई है और ये इनके पुजारी जी हैं इन इनसे हम अभी कुछ पूछने वाले हैं इनके थोड़े से जस्ट बाहर निकलते ही पास में जी महाराज का जो मंदिर बना हुआ है छोटा सा वो भी आप देख सकते हो और ये मंदिर प्रांगण का जो दृश्य है हम आपको लाइव दिखा रहे हैं तो दोस्तों अब हम जो मंदिर में पूजा कर रहे हैं पुजारी जी इनका इंटरव्यू लेते हैं इनको पूछते हैं मंदिर के बारे में और माता जी के बारे में पुजारी जी ये माता जी का नाम क्या है और क्या है काली माता दुर्गा माता दोनों साथ है अच्छा तो ये दो मूर्तियाँ माता जी की कौन कौन से रूप में काली दुर्गा काली और दुर्गा आप का नाम क्या है जगदीश मीणा जगदीश मीणा आप कहाँ के रहने वाले हो मालवीय नगर सत्कार सर्विस सेंटर अच्छा मालवीय नगर सत्कार सर्विस सेंटर के हो यहाँ कब से पूजा कर रहे हो आप यहाँ साहब पूजा करते तो एक हज़ार सत्तर साल का तो इसका रिकॉर्ड है और पूजा तो आज सत्तर साल से हम तो करते आ रहे हैं अच्छा मतलब एक हज़ार सत्तर साल पहले तो माता जी का रिकॉर्ड है आपके पास और आपके तभी से पूजा कर रहे हैं हाँ पूजा कर रहे हैं तो माता जी का इतिहास बता सकते हो थोड़ा बहुत माता जी के यहाँ बलि होती है बलि किसकी चढ़ाई जाती है बलि बकरे की अच्छा बकरे की बलि चढ़ाई जाती है वो कहाँ पर चढ़ाई जाती है वो माता यहाँ खेचती है और पीछे जाके बली करते हैं इसकी अच्छा जा पीछे जाके बली करते हैं तो ये माता जी का न, मैंने सुना है कि कोई बावड़ी है उसका भी कोई इतिहास है माता जी का बावड़ी इस मंदिर के साथ की बनी हुई है एक साल पुरानी और इसका नया निर्माण हो गया अच्छा। और बावड़ी मंदिर के साथ की है अच्छा बावड़ी मंदिर के साथ की हाँ। की तो माता जी के यहाँ लोग आते हैं किस कारण आते हैं क्या कारण है माता जी के यहाँ इतने लोग आने का जो आते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध होती है और अभी कोई बता रहा था कि यहाँ पे मतलब माता जी के साल में एक बार शेर आता है या फिर कोई शेर आता है जब आरती करते हैं तो सामने शेर आ जाता है ऊपर पापड़े पाके बैठ जाता है आरती होती है तो उठ के निकल जाता है अच्छा जा आरती के बाद वो उठ के निकल जाता है और जब भी आरती हम करते हैं तो शेर सामने होता है और दिन में भी आ जाता है यहाँ पे कभी भी आ जाता है कभी भी आ जाता है यहाँ बावड़ी में बराजमान होता है ऊपर छत पे बराजमान हो जाता है लोग देखते रहते हैं वो वो कि, किसी को कुछ किसी को कुछ नहीं कहता है। आज तक भी कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी को छुआ भी नहीं उसने माँ का ये कहना है कि मेरा रास्ता मत छोड़ो मेरे रास्ते में शेर आए श्याँप आए गौरा आए आप मेरा रास्ता मत छोड़ो बाकी जिम्मेदारी मेरी है तो माता जी अभी भी या किसी इंसान में आती है या फिर नहीं नहीं एक बार आई थी कोई हमारे पुरके में तो उसका शरीर के ऐसे चिरचिर हो गई थी उसके बाद में माँ ऐसे बोला कि मेरी चुटकी से ही काम होगा आज के पूजा करने का इतिहास और आप यहाँ क्यों पूजा करते हो क्या कारण रहा है इसकी वजह से आप पूजा करते हो नहीं तो मंदिरों में ज़्यादातर पंडित पुजारी जी ये साधु महात्मा यही पूजा करते हैं आपका क्या कारण है हमारा कारण ये है साहब कोई हमारे पुरके के सपने में आई थी है जी और प्रकट हुई थी अपना किसी के बनाई हुई नहीं है जी। यहाँ कोई तलाई थी वो तो तलाई के अंदर से पेड़ फाड़ के प्रकट हुई थी तो उसके बाद अब हमारा गांव था यहाँ तो हमारे पुरखे के सपने में आई उसी हिसाब से पूजा कर रहे हो आपका गोत्र क्या है जब हमारा गोत्र तो साहब सीता है मगर कोई राजा महाराजा का वो हाथी गल गया था तो हाथी को कुदाड़ी से खोद खोद के निकाल दिया उसके बाद हमारा बैग पड़ गया कुदाड़िया तो दोस्त अभी पुजारी ने बताया कि यहाँ जो बावड़ी है वो माता जी के इतिहास की की गवाह है और जो माता जी का यहाँ इतिहास है तब तो से ही बावड़ी का इतिहास है इस बावड़ी के जस्ट सामने शिव पार्वती जी का और भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है और जस्ट उनके सामने ये बावड़ी है हम कोशिश करेंगे आपको बावड़ी का व्यू दिखाने की वो आगे आप वीडियो में देखिए हाँ तो दोस्तों इस बावड़ी के जस्ट सामने जो शिव पार्वती जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है वो आप देख सकते हो सामने यहाँ भगवान का पंच परिवार जो है विराजमान है उधर सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है और जस्ट इनके सामने ही जो बावड़ी है वो आप देख सकते हो अब इस बावड़ी का दृश्य ये बावड़ी काफ़ी गहरी भी दिखाई दे रही है और जर्जर इससे में भी है इसका कुछ इसका जर्जर भी है और ये काफी सौ फिट गहराई बताई जा रही है और ये काफ़ी बड़ी बावड़ी है हो सकेगा तो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस बावड़ी का इतिहास है कि जो माता जी ने आपूर्व रूप अपना रूप यहाँ धारण किया था और वो यहाँ प्रकट हुई थी वो आज भी सोने की मूर्ति इसी बावड़ी के अंदर विराजमान है और जो बाहर का इस समय ने भी आपको वीडियो में बताया वो तो बाद का हिस्सा है माता जी ने वहाँ दूसरी बार पकड़ माता जी की वहाँ दूसरी मूर्तियाँ हैं वो तो बाहर का हिस्सा है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था वो माता जी के दूसरी मूर्तियाँ हैं जबकि जो मुख्य मूर्ति है वो इसी ही बावड़ी के अंदर आज भी विराजमान है और वो सोने की मूर्ति है ये बावड़ी का काफ़ी बड़ा हिस्सा है ये देखिए बावड़ी के जसकोटी बनी हुई है जिसमें माता जी विराजमान उसके बाहर का हिस्सा उससे आगे का हिस्सा वो है और उससे आगे जो मंदिर प्रांगण है शिव परिवार जो पंचिव पंचायत बैठी हुई है उसका हिस्सा है और ये बावड़ी कम से कम 100 मीटर लंबी है आप देख रहे हो और इस बावड़ी में जाना अलाव नहीं है ये बावड़ी 600 फीट फिट गहरी बताई जा रही है जिसमें माता जी आज भी विराजमान है और उनको ना तो कोई निकाल सकता है और ना ही वो किसी को दिखाई देती है यहाँ से आप बावड़ी के जाना आप हर किसी को बावड़ी में जाना अलाव नहीं है आप देख रहे होंगे कि बावड़ी कितनी गहरी है और ये काफ़ी जो दृश्य है मंदिर के चारों तरफ का वो आप देख ही रहे होंगे ये पहाड़ हैं जो लेपड़ पार्क के इसी में आते हैं हाँ तो दोस्तों पुजारी जी जो बता रहे थे अभी कि यहाँ बकरे की बलि दी जाती है वो आज भी इसी स्थान इस के लिए बता रहे थे वो कि यहाँ दी जाती है आज भी और वो साल में एक बार ही लगती है जब माता जी का हुक्म होता है तभी वो बलि दी जाती है वो यही इस तो देखिए दोस्तों आज मैं आपको इस जंगल के बीच लाया हूँ जो लेपड़ पार्क है उसी के बीच में मैं आ गया हूँ मंदिर के पास से एक रास्ता है उसमें से मैं निकल के यहाँ आ गया हूँ जो यहाँ हनुमान जी के जो मूर्ति पधराई हुई है और पास में ही भी उनके एक और हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति है ये जंगल का बीच का दृश्य है दोस्तों मुझे चारों तरफ से डरसा भी लग रहा है कि पता नहीं कहीं से कोई जानवर आ जाए और यहाँ वन विभाग के कैमरे भी लगे हुए हैं उनकी भी शायद हमारे पे नज़र पड़ जाए पर हम आपको ये व्यू दिखा रहे हैं बहुत रिस्क और बहुत ही खतरे के साथ दिखा रहे हैं आप चारों तरफ का व्यू देख लीजिए मेरे चारों तरफ का जो व्यू है वो आपको मैं जंगल के बीच में से दिखा रहा हूँ दोस्तों आप ये व्यू आप देख रहे होंगे खैर अभी कोई जानवर हमें दिखाई दे नहीं रहा है पर कभी भी कहीं से भी लेपड़ चीता जो भी जानवर यहां पे है वो कभी कहीं से भी आ सकते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं वो जंगल का चारों तरफ का व्यू हाँ तो दोस्तों आपने लेपड़ पार्क, पार्क के अंदर कालका माता का मंदिर और कुछ पार्क का हिस्सा मैंने आपको दिखाया है आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और एक शेयर तो बनता ही है दोस्तों और अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना जिससे मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब और कंटिन्यू रख सकते हो और मुझे सजेशन सुझाव और प्लेस या ऐसी जगह के बारे में मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में और मेरे इंस्टाग्राम आई डी उंडर चैनल और मेरे फेसबुक आई डी चैनल पर अभी आप मेरे डायरेक्ट संपर्क करके मुझे बता सकते हो जय हिंद जय भारत